हे गाइस, वेलकम बैक द अनदर वीडियो। तो गाइस, आज ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MIUI 13 अपडेट के बारे में। तो गाइस, Redmi Note 10 Pro में ये अपडेट आया था। तो गाइस, मैं जो हूँ ये अपडेट को ब्राउजर से किया था। ओके, तो एक फाइल डाउनलोड किया कर लिया था, उसके बाद जो है ये अपडेट में किया था। देखिए, फ़ोन यही फ़ोन है, वो वीडियो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो गाइस, उसके बाद देखिए गाइस, मेरे फ़ोन में ये अपडेट आया है। पहले भी अपडेट आया था और ये अपडेट आया है। ये अपडेट जो है गाइस, ये 710 MB का अपडेट है। ये है 13.0.4.0। ओके, तो ये एक स्टेबल अपडेट है। तो गाइस, इसको आप कर सकते हो। इसमें आपका जो सिक्योरिटी फंक्शन चेंज होता है। ओके, तो जो पहले सिक्योरिटी फंक्शन में प्रॉब्लम हुआ था, वो सिक्योरिटी फंक्शन सही किया गया है। तो गाइस, ये अपडेट को आप कर सकते हो। अगर आपके सामने ये अपडेट शो नहीं हो रहा है, तो गाइस यहाँ पर चेक अपडेट फॉर, ये अपडेट को आपको बार बार क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये अपडेट शो हो जाएगा। अगर कुछ भी कारण से ये अपडेट आपके सामने मतलब शो हुआ था और गायब हो गया, ओके, तो गाइस आप जो है यहाँ पर ये चेकआउट को क्लिक करने के बाद बार बार आपके सामने ये अपडेट शो हो जाएगा। तो उसके बाद जो है आप इसको डाउनलोड में लगा सकते हो। तो गाइस, मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप जब डाउनलोड कर रहे हो गाइस, तो इसको जो है हॉटस्पॉट लेके फ्रेंड से डाउनलोड करिए। अगर नहीं कर पा रहे हो तो गाइस, आपके फ़ोन डाटा अगर अच्छा चल रहा है नेट, तो आप उसको डाउनलोड करिए, वरना आपका बीच बीच में अटक जाएगा। उसके बाद जो ये डाउनलोड होने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके गाइस, तो गाइस अगर आपको ये अपडेट में कोई दिक्कत आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। और गाइस, ये अपडेट के रिलेटिव अगर आप ये अपडेट को नहीं कर पा रहे हो आप ये MIUI सिस्टम से, तो गाइस मुझे बोलना, मैं इसका जो जिप फाइल है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वरना अलग से एक वीडियो करके आपको बता दूंगा। मुझे कमेंट करके बताना। ओके गाइस, अगर ये अपडेट आपको चाहिए आपके फ़ोन में, तो गाइस ये अपडेट को मैं कर लेता हूँ मेरे फ़ोन से। तो गाइस, इसको करने के बाद गाइस, जो इसका जो फाइल है मैं आपको दिखा दूंगा। इसका फाइल को मैं लिंक दे दूंगा। अगर आपको चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसका लिंक दे दूंगा। आप जो है इसको ब्राउजर से डाउनलोड कर सकते हो। ब्राउजर से तो आपको पता है डाउनलोड का कितना इजी है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो पर यहाँ पर अगर आप 2-3 बार इसको मतलब स्टॉप करते हो और अपडेट करते हो, तो गाइस ये दिक्कत हो जाता है कि बाद में रिबूट नहीं होता। तो गाइस, यहाँ पर जो है मेरा अपडेट जो कम्प्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर रिबूट नाउ का ऑप्शन आ चुका है। तो गाइस, ये जो अपडेट है 13.0.4.0 स्टेबल अपडेट है। तो गाइस, यहाँ पर जो सिक्योरिटी फंक्शन में काम किया गया है, मतलब गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो सिक्योरिटी फंक्शन है, इसमें जो जितना भी प्रॉब्लम हुआ था, जैसे कि कॉल रिलेटिव ये सब का प्रॉब्लम हुआ था, उसका जो है यहाँ पर सोल्यूशन बताया गया है। तो गाइस देखिए, मेरा यहाँ पर जिप फाइल है। तो गाइस, ये जिप फाइल मैं दे दूँगा आपको लिंक में। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, ओके गाइस, तो गाइस जो भी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, वो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्यूशन ये अपडेट में मिल गया है। तो गाइस, आपका कॉल का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, या चार्जिंग का दिक्कत हो रहा था, मतलब फास्ट नहीं हो रहा था, स्लो हो रहा था, वो सब यहाँ पर रिकवरी किया गया है। तो गाइस, ये अपडेट को आप ज़रूर करिए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बग नहीं है। ये अपडेट में आपका जो जितना भी बग था पुराना वाला, सब फिक्स किया गया है। ओके गाइस, तो ये अपडेट को जो है आप कर सकते हो बेफिक्र, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो गाइज़, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, मेरा अपडेट ये कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज़, यहाँ पर जो है मैं सेटिंग को जाकर आपको दिखा देता हूँ, मेरा जो MIUI 13 का अपडेट है वो कितने में स्टेबल हो गया है। ओके गाइज, तो यहाँ पर जो मेरा था 3 था, मतलब 13.3 ऐसा कुछ था। तो अभी जो है गाइज़ देखिए, अभी 13.0.4, ठीक है गाइज, तो देख सकते हो आपके सामने है मेरा अपडेट पूरा कम्प्लीट हो चुका है। तो गाइज, यहाँ पर आपको एक देखने के लिए मिल जाता है। ओके गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको ये जो अपडेट का जो डेट है गाइज, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, लेटेस्ट डेट मिल जाता है। तो गाइज, देख सकते हो कि ये जो अपडेट है, नया अपडेट है, कोई पुराना अपडेट नहीं है। तो गाइज, इस तरह से जो है आपके Redmi Note 10 Pro को अपडेट कर सकते हो MIUI 13.0.4.0। तो गाइस, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एंड इसके बारे में ज़्यादा फीचर वगैरह कौन सा है सब कुछ जानना है, तो नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हो।